एवरीवन, दिस इज सुरेश सिंघानिया, वेलकम टू बैक इन माय न्यू ब्लॉग। सो गाइस, तो फिर से मैं आ गया हूँ आप लोगों के लिए एक वीडियो लेके, जो कि दिल्ली के लाल किला का। सो गाइस, तो अभी मैं लाल किला पहुँच चुका हूँ। फाइनली मैं अभी टिकट लूँगा और टिकट लेके आपको अंदर जाऊँगा, और अंदर से जाकर मैं आपको टूर करके पूरी अच्छे तरीके से मैं आपको टूर कराने वाला हूँ और आपको दिखाने वाला हूँ। सो गाइस, तो आप घर बैठे बैठे पूरी लाल किला की टूर कर सकते हैं। सो गाइस, तो फाइनली आप जो भी 8 से 10 मिनट की वीडियो है, आप इस वीडियो में बढ़िया से बने रहिए। मैं आपको घर बैठे आपको पूरी लाल किला मैं आपको बढ़िया से घुमाता हूँ। सो गाइस, तो फाइनली बिना किसी देर के मैं बढ़ता हूँ आगे इस वीडियो में। सो गाइस, आप सबसे पहले आप देख सकते हैं कि जो भी ये लाल किला का ये फ्रंट व्यू है, और इसके सामने आप देख सकते हैं यहाँ पे आपको फोटो वोटो खिंचवाते हुए इतने सारे लोग मिल जाएंगे। और अभी के जो मैं टाइम की बात करूँ तो अभी आपको 4 बज रहे हैं और 4 बजे भी इतनी सारी भीड़ लगी है। तो गाइस, ज़्यादा जितने भी लोग होते हैं ज़्यादा करके वो शाम में ही घूमने आते हैं, क्योंकि जो शाम का व्यू होता है वो मतलब ठंडा मौसम या सुबह मॉर्निंग में आया करते हैं। इसके साथ यहाँ पे आए हुए हैं दानिश और नूरालम भैया, जो कि यहाँ पे ये लोग घूम घूम के थक गए तो यहाँ पे ये दोनों बैठे हुए हैं। तो फिर यहाँ पे ये दानिश है जो कि ये बैठे हुआ है, और नूरालम भैया, ये दोनों काफ़ी थक गए हैं घूम घूम के, और अभी अंदर जाना बाकी है। और गाइस, जो ये मुझे लाल किला के जस्ट बगल में एक नीचे ये खाई मिला है, जो कि यहाँ पे ये कुएं की तरह ये बनाया गया है। माना जाता है कि पहले इधर से पानी बहता था और पानी बह के कहीं और जाता था। और सेकेंड थिंग इसका ये था, क्योंकि जैसे कि पहले के ज़मानों में ऊपर जो भी सिपाही खड़े होते थे और तो वहाँ खड़े होते थे, तो वहाँ पे यानी कि दूसरी सिपाही यहाँ पे यानी इसका दुश्मन वहाँ पे ना चढ़ सके। पहले मैंने टिकट भी ले लिया और मैं अंदर एंट्री कर चुका हूँ, और अभी मैं जा रहा हूँ जस्ट गेट के सामने, तो वहाँ से मेन एंट्री वहाँ से होगी। तो मैं वहाँ से एंट्री करने के बाद फिर मैं अंदर जाऊँगा, और अंदर बहुत सारी चीज़ें जो कि अंदर एक मार्केट वगैरह भी लगती है, तो वहाँ बहुत बड़ी मार्केट है, वहाँ आप जो भी ढूँढेंगे वहाँ आपको मिल जाएगा। तो अभी मैं अंदर जाकर आपको मार्केट का भी दिखाऊँगा, और अंदर अभी बहुत सारी चीज़ें जो कि पहले के ज़माने में जहाँ पे राजा महाराजा ही लोग बैठा करते थे, आवाम है जहाँ पे वो लोग बैठ के आम सभा किया करते थे, तो वो सारी चीज़ मैं दिखाने वाला हूँ। अभी बाहर से लोग आ रहे हैं, अंदर से लोग बाहर की तरफ आ रहे हैं, और मैं अभी अंदर जा रहा हूँ, तो बहुत ज़्यादा भीड़ है। ठीक है, तो मैं अंदर जाकर फिर मैं आपको दिखाता हूँ सारा चीज़। यह है अंदर के व्यू, जैसे मैंने अभी अभी एंट्री किया है तो सबसे पहले मुझे ये सब मिला है। मैं जो आपको मार्केट का बात कर रहा था, वो मार्केट यही लगता है जहाँ पे आपको हर चीज़ मिल जाएगा आपको देखने को। यहाँ पे जो भी आप यहाँ पे ढूँढें हर चीज़, बच्चों को खिलौना से लेकर आपको पहनने वहनने से लेकर आपको हर एक चीज़ मिल जाएगा। और यहाँ पे सारे जगहों की, जैसे कि पंजाब की जो भी फेमस पहनावा है वहाँ की, वो सारे चीज़ मिल जाएंगे। एक से एक आपको यहाँ पर बैग वगैरह चूड़ी से लेकर ये सारे चीज़ मिल जाएगा, बच्चों के लिए टोपी वगैरह ये सारे चीज़ मिलते हैं यहाँ पर। तो ये जस्ट इसके अंदर ही है, इसके अंदर बहुत ज़्यादा हल्ला हो रहा है, तो मेरी आवाज़ शायद आपको क्लियर सुनाई ना दे।
जैसे मैंने आगे बढ़ाया तो मुझे एक यहाँ पे ये लगा हुआ है यहाँ पे, और यहाँ पे लिखा हुआ है ये है नए भारत। तो यहाँ पे मोदी जी का पोस्टर लगा हुआ है, वहाँ पे लग रहा है कि जैसे कि मोदी जी खड़े हैं। और यहाँ पे और पीछे कुछ वहाँ पे विमान वगैरह लगाया हुआ है। तो अभी मैं चल रहा हूँ दीवाने खास की तरफ, और आपको वहाँ पे जाके दीवाने खास का खास दिखाता हूँ कि पहले ज़माने के दीवाने खास किस तरीके का हुआ करता था। और वहाँ पे जितने भी उनका जो खास आदमी होता था, एक राजा होता था और वो सिंहासन पर जाके बैठते थे, और बाद पार्लियामेंट होते हैं जिस तरह के, आज पार्लियामेंट संसद भवन जिस तरह के होते हैं। तो उस समय का संसद भवन से मैं आपको रूबरू कराने वाला हूँ। और वहीं पे वहाँ पे बैठे रहते थे पहले का राजा, और एक सिंहासन भी है। तो उस सिंहासन पे बैठे होते थे। तो चल रहा हूँ, फाइनली मैं आपको सिंहासन दिखाऊंगा, पहले का सिंहासन किस तरीके का हुआ करता था, और गाइस कितनी बढ़िया वहाँ का डिजाइनिंग है, वो सारा चीज़ मैं आपको क्लियर कर दूंगा। यहाँ का जो पहले का राजा किस तरीके से रहा करते थे, किस तरीके के सिंहासन पर बैठे करते थे, और उनका दीवाने खास है। तो दीवाने उसका नाम दीवाने खास है, तो उनके जितने भी खास व्यक्ति होते थे वही बैठा करते थे यहाँ पे। तो चल रहा हूँ मैं आगे और आपको दिखाता हूँ फिर। तो गाइस फाइनली हम पहुँच चुके हैं दीवाने खास, जो कि आपको मैं बता रहा था दीवाने खास के बारे में। तो ये दीवाने खास है, और तो ये रहा दीवाने खास, और इसके अंदर आप इसकी डिज़ाइनिंग देख सकते हैं गाइस, इसके अंदर कितनी मस्त डिज़ाइनिंग की हुई है। और इस तरीके की डिज़ाइनें पहले के ज़माने में हुआ करता था। और अभी यहाँ पे तो कुछ टेबल वगैरह ये सब नहीं लगा हुआ है, नहीं तो पहले बैठने के लिए यहाँ पे जो भी उनके खास व्यक्ति हुआ करते थे तो यहाँ पे बैठा करते थे। इनको दो नाम से जाने जाते हैं, दीवाने खास और दीवाने आम। तो कुछ लोग इसे दीवाने खास भी कहते हैं और दीवाने आम। और जो सिंहासन का बात मैं कर रहा था, तो यही सिंहासन है जहाँ पे शाहजहाँ बैठा करते थे, या जो भी उनका राजा थे वो राजा लोग यहाँ बैठा करते थे, और वो और लोग इधर आस पास में उनको बैठा करते थे। तो ये है दीवाने खास दीवाने आम। तो गाइस तो मैं अभी जो आपको दिखा रहा था दीवाने आम, तो वो दीवाने आम था। और अभी मैं आपको लेके चलता हूँ, यहाँ पे एक मस्जिद है जो कि पहले इसमें नमाज़ हुआ करती थी, जो कि इसमें मुस्लिम लोग रहते थे वो लोग इसमें नमाज़ पढ़ा करते थे। तो मैं वो अभी आपको दिखाने वाला हूँ, वो जस्ट मेरे मस्जिद है ये वाला। तो पहले कि इसमें तो पहले इसमें नमाज़ पढ़ा करते थे लोग, जो भी लोग पहले इस महल में रहा करते थे उन लोगों के लिए है। तो उन लोगों ने यहाँ पर नमाज़ पढ़ा करता था, और वहाँ से लेकर यहाँ तक ये सारे दीवाने दीवाने आम वालों की है। तो देखिए बस ऊपरी दीवाने आम वालों के लिए है, इसके अंदर भी ऊपर नहीं जा सकते, ऊपर जाना मना है इसके लिए। ये दीवाने खास, ये दीवाने खास है, इसके डिज़ाइन देखिएगा इस कितनी मस्त की गई है, ये दीवाने खास की डिज़ाइन। और गाइस ये बरसों पुराना है, पता नहीं कितना साल पुराना होगा, मुझे कुछ अंदाज़ नहीं है। बट गाइस आप इमेजिन कीजिए कि अभी तक इसका जब ये हाल है तो नए में किस तरीके का रहा होगा, ये आप कुछ देख सकते हैं। ये देखिए गाइस इतना खूबसूरत, जब अभी नज़ारा है तो उस समय में क्या नज़ारा रहा होगा इसका। एडजस्ट मैं इसके फ्रंट पर खड़ा हूँ जहाँ पे वो लोग बैठा करते थे शाहजहाँ, ये लोग तो यहाँ पे तो अभी है नहीं, यहाँ पे सिंहासन नहीं है। शायद ही मेरे दीवाने खास में जब बैठा करते थे खास लोगों के पास, तो यहाँ पे सब कोई साथ में बैठा करते थे, इसलिए यहाँ पे शायद वो सिंहासन है नहीं। और यहाँ पे ये जो पत्थर लगा हुआ है इसके ऊपर फूल भी है, और इसकी इतनी महीन सी डिज़ाइन पत्थरों के अंदर, ये गाइस आप वो अंदाज़ा नहीं लगा सकते कि कितनी मस्त डिज़ाइन है। और इसके अंदर यहाँ भी डिज़ाइन है आप देख सकते हैं,
सो गाइस, तो मैं अपना जो भी मेरा ब्लॉग है, मैं अपना ब्लॉग यहाँ पे एंड करता हूँ। मैं अगर ज़्यादा लंबा हो जाए तो आप लोग भी बोलोगे कितने लंबे ब्लॉग बना दिया, तो गाइस मैं ज़्यादा लंबा नहीं बनाऊँगा। थैंक यू फॉर दिस वॉचिंग वीडियो। अगर अच्छा लगा हो तो लाइक सपोर्ट, आपकी सपोर्ट की बहुत ज़्यादा ज़रूरत है, तो एक लाइक एक सब्सक्राइब जरूर बनता है। सो गाइस, जब तक के लिए थैंक यू, फिर इंतज़ार रहेगा, जल्दी मैं एक और न्यू वीडियो आपके सामने ला कर रखूँगा। जब तक के लिए थैंक यू, धन्यवाद।